से भैया, पकड़ लो जरा इनको, इनकी मदद कर देना। आराम से आराम से। कहाँ से आए? जय श्री राम गुरु जी। जय श्या राम, जय बागेश्वर। कहाँ से हो? हम यूपी के बस्ती जिला लालगंज ग्राम। अच्छा, से पहली बार आए हो? जी गुरु जी, हम पहली बार आपसे मतलब दर्शन कर रहे हैं, पहली बार धाम यहाँ आए हैं। अच्छा, रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए क्या बात? क्या हो गया आपको ऐसा? सर, हम खा नहीं पाते जी। एक हाथ में बिल्कुल, क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर, हम जब छोटे से थे, जो हमारी नादानी थी, तो हमारे माता ने बहुत इलाज करवाए हैं। हमको इतना बस जानकारी मिला है कि गोरखपुर में एक डॉक्टर है आरडी सिंह, उन्होंने बोल दिया कि ये लाइलाज बीमारी है, और अगर आप कहो तो हम पॉइजन लगा दें। तो हमारे मामा जी उस समय थे, हमारे पिताजी, वो बोले कि क्योंकि पॉइजन लगा दी थी, उसकी जो हालत हो अपना जी लेगा, जीने और मरने की बात तो प्रभु के हाथ में, आप क्यों लगा देंगे। ओके, और कुछ जानना है? और हमारे माता पिता की तबीयत हमेशा खराब रही। हमने वहीं से शुरू किया। माता पिता बीमार, आपको शरीर में शिथिलता बनी, रोग का रहस्य जानने के लिए आए हैं। यह रोग आपको जन्म जात है, जन्म के बाद नहीं है, जन्म जात है, ला इलाज है। इसमें मात्र आपको 15% लाभ हो पाएगा, ज़्यादा आराम नहीं लगेगा। माता पिता जरूर दोनों निरोगी हो जाएंगे। तंत्र विद्या कुछ भी नहीं है, इन चक्करों में ना पड़े, बालाजी माता पिता को निरोग कर देवेंगे, आशीर्वाद है। उनके हमें लिखना पड़ेगा, टाइम दो। हम पहले लिख लें तब ही हम बता पाएंगे। जय श्या राम। अब भाई के बारे में हमने लिख लिया, अब पूछ सकते हो। जी ये पढ़ो, पढ़ो। दुकान में बंधन है, दुकान चल नहीं रही, साथ में भाई को मूक बद्धता व मंद बुद्धि है, आराम लग जाएगा, उनको लेवा लाना। मंद बुद्धि पर, ऑटिज्म पर हमारे पास उपाय है, आशीर्वाद है। कोई संदेह? बात एकदम सही, नियम समझ आए गए। आपको 15% झाड़ा से ठीक कर देंगे, भाई को लाना है, माता पिता के लिए हम नारियल सिद्ध करके देंगे। तब तक आपको अपने घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी है, वो सरसों के तेल की जलानी है, नियम पालन करना है, इसी में है। हाँ, नीचे की तरफ मंत्र लिखा, सबसे लास्ट में देखो, अभी अभी। हाँ हाँ हाँ,
बस यही वाला, ये मंत्र जाप करना। आ जाओ भैया, एक कोई PSO आ जाओ, इनकी मदद कर देना। हाँ खुश रहो, झुक झुक खुश सब। अब नए माए ना भटकियो, यहाँ वहाँ बेबी जूली का तुम अपना समय बर्बाद ना करो, भजन करो और अपना कुछ काम करो पुरुषार्थ।